विश्व रक्तदान दिवस है। इस उपलक्ष्य में आज जेएनएन हॉस्पिटल में रक्तवीरों का, साथ में मामाशाओं का और जो प्रेरक हैं रक्तदान करने वाले उनका सम्मान का कार्यक्रम किया। पूरे 7-8 दिन यहाँ कई सेमिनार और कई कार्यक्रम हुए। इस पर निश्चित रूप से जेएनएन की जो टीम है उनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। रक्तदान किसी ज़माने में बहुत भ्रांतियाँ थीं, लेकिन आज लोग आगे होकर के आने लगे। फिर भी आज राजस्थान में जितने रक्त की आवश्यकता है उसका एक तिहाई ही रक्तदाता स्वैच्छिक सामने आ रहे हैं। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। ये तब बढ़ेंगे क्योंकि एक बार तो रक्त दे देता है लेकिन उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे उसके लिए उसके मस्तिष्क में जो इसके लाभ हैं उसको जानकारी देना और उसको अभिभूत कराना आवश्यक है। जैसे जो रक्त देगा उसे बीपी की बीमारी कम होगी, उसके हार्ट अटैक की संभावनाएं कम हो जाएंगी और ब्रेन मोरों में नए रक्त संचारण होना शुरू हो जाता है। इस तरह के जो लाभ बताएंगे तो मुझे समझना लोग और आगे आएंगे। विश्व रक्तदान दिवस है। इस उपलक्ष्य में आज जेएनएन हॉस्पिटल में रक्तवीरों का, साथ में मामाशाओं का और जो प्रेरक हैं रक्तदान करने वाले उनका सम्मान का कार्यक्रम किया। पूरे 7-8 दिन यहाँ कई सेमिनार और कई कार्यक्रम हुए। इस पर निश्चित रूप से जेएनएन की जो टीम है उनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। रक्तदान किसी ज़माने में बहुत भ्रांतियाँ थीं लेकिन आज लोग आगे होकर के आने लगे। फिर भी आज राजस्थान में जितने रक्त की आवश्यकता है उसका एक तिहाई ही रक्तदाता स्वैच्छिक सामने आ रहे हैं। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। ये तब बढ़ेंगे क्योंकि एक बार तो रक्त दे देता है लेकिन उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे उसके लिए उसके मस्तिष्क में जो इसके लाभ हैं उसको जानकारी देना और उसको अभिभूत कराना आवश्यक है। जैसे जो रक्त देगा उसे बीपी की बीमारी कम होगी, उसके हार्ट अटैक की संभावनाएं कम हो जाएंगी और ब्रेन मोरों में नए रक्त संचारण होना शुरू हो जाता है। इस तरह के जो लाभ बताएंगे तो मुझे समझना लोग और आगे आएंगे और भी एनजीओस को प्रेरित करेंगे और यहाँ जो रक्त देने के लिए आए उसको एक सम्मान उसको आगे लाएं, वो रक्त देता रहे और साथ में लोग भी आगे आएं ताकि निश्चित रूप से यह जो रक्त की कमी के कारण जो कई बार किसी का जीवन चला जाता है कम से कम अपने यहाँ रक्त के अभाव में एक भी जान न जाए, इसको हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा। कुछ हॉस्पिटल के बारे में भी आज जानकारियाँ दी हैं। निश्चित रूप से इसमें जितना जो कुछ संभव होगा राज्य सरकार से मदद लाने की कोशिश करेंगे और कम्युनिकेशन यहाँ जितना बढ़ेगा जनप्रतिनिधियों से, रक्तदाताओं से, समाज से उतना ही अधिक। आज मैंने देखा कई डॉक्टर्स ने भी अपने डिपार्टमेंट से और लोगों ने यहाँ की एसी से लेकर के कई सुविधाएं इस ओर दी हैं। हर व्यक्ति को इस ओर आगे आना चाहिए, अपनी कमाई का कुछ अंश मैं मरीजों के लिए, हॉस्पिटल के लिए मैं भी दान दूँ, इस प्रकार का भाव जगना चाहिए। जो समर्पण भाव निश्चित रूप से पुण्याई देगा और अगले जन्म में भी व्यक्ति को लाभ देगा। मैं सबसे अपील करूँगा आइए रक्तदान करिए, लोगों की जान बचाइए।